ये देखिए इस तरह से जैसे मोमोज बनाया जाता है, बस वही वाला कॉन्सेप्ट है, बस केले के पत्ते के अंदर बनता है। ये गोल्डन प्रॉन है। अच्छा ये हो गया गोल्डन प्रॉन, ठीक है। मटन बॉल, ये हो गया मटन बॉल, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया आपका चीज बॉल। मतलब मुलायम सा मटन है, थोड़ा सा लेते हैं मटन, थोड़ा सा लेते हैं कीमा, बन गया ये मटन राड़ा। अभी रिसेंट है और स्टार्टर भी बहुत अच्छा है, प्रिपरेशन सब खाने योग्य है। अच्छा, और हम भी छूट के खाए हैं। पीछे खड़ी हैं वो। तो थोड़ी देर पहले कम्युनिटी पोस्ट में एक अपना फोटो डाले और पूछे कि हम शादी में आए हैं, व्लॉग बनाए, और बहुत लोग का कमेंट आ रहा है। डाले हुए 15-20 मिनट हुआ और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं बनाइए 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 बनाइए। तो ये देख के मेरा मन कर रहा है कि अब कुछ बना ही देते हैं। क्या बनाएंगे, क्या डालेंगे पता नहीं, गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंड वाला है, पूरा ओपन एरिया है, ओपन में शादी और ठंड का मौसम ऐसे ही है, तो थोड़ा ठंड यहाँ ज़्यादा लग रहा है। फिलहाल हम लोग हैं रांची में, बैंक्वेट हॉल का नाम हमको याद है नहीं, लाल से कुछ नाम है, बैंक्वेट हॉल कहाँ है ये मुद्दा भी नहीं है, किसी बैंक्वेट हॉल को हम लोग प्रमोट या दिखाने आए नहीं है, शादी का थोड़ा वाइब दिखाने आया, शादी का खाना दिखाने आया, शादी का माहौल दिखाने आया। शादी के खाने को खाएंगे, खा के टेस्ट आपको बताएंगे, बहुत अलग अलग वैरायटी है, 150-200 वैरायटी है, सब कुछ तो दिखा नहीं सकते, कुछ कुछ मेन मेन जो है वो आपको दिखाएंगे, बाकी नॉर्मल क्या क्या रहता है शादी में वो आपको पता ही है, वही नान पनीर तनीर ये सब रहता है, वो सब है, हटके कुछ होगा तो वो आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, किचन में जो बनने वाला एरिया वहाँ भी ले चले, और बस बाकी अब क्या करेंगे पता नहीं, शुरुआत कर देते हैं, चलते हैं शादी में, माहौल दिखाते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि लाइव म्यूजिक है, और ये जो जस्ट बगल में ये सामने मेरे स्टेज है, और ये पूरा एरिया जो है ओपन है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा यहाँ फील हो रहा है, बहुत ठंड लग रहा है। अब चलते हैं थोड़ा खाने वाने का जो झलक है आपको दिखाते हैं, ये पूरा हॉल का लुक है। ये देख सकते हैं ये जो है ये फ्रंट वाला लुक है, यहाँ पे है स्टेज, और ये जो है ये मेरा छोटा भाई है। तो स्टार्ट किए हम लोग सबसे पहले नूडल्स और चिकन चिली से, क्योंकि फिलहाल यही स्टार्ट हुआ है, मटन पे हाथ मारना है, लेकिन मटन जो है अभी स्टार्ट हुआ नहीं था, तो गर्मा गर्म ये चिकन चिली लेकर आए हैं। सबसे पहले चिकन चिली को ऐसे ही ट्राई करते हैं। ऊपर का कोटिंग परफेक्ट, जरा सा चिकन जो है वो हार्ड लगा, कोटिंग परफेक्ट है, जो सॉस यूज़ किया गया है, जो ग्रेवी वगैरह बना के जिसमें चिकन को डाल के फ्राई किए हैं वो परफेक्ट है। शुरुआत बेसिक से होना चाहिए, इसलिए बेसिक लिया नूडल्स चिकन चिली, बिल्कुल बेसिक सा। ये हो गया कौन सा राजभोग चाट, ठीक, थैंक यू। तो अभी हमारा जो नूडल्स है वो ख़त्म हुआ नहीं था, और इधर देख सकते हैं नेक्स्ट आ चुका है ये राजभोग चाट और ये आलू टिक्की चाट, ये भी बहुत सही लग रहा है देखने में। सबसे पहले ठंड के मौसम में गर्मा गर्म आलू टिक्की चाट, कुरकुरा सा हल्का मसाला और हल्का सा दही और ये ग्रीन चटनी, बहुत सही है। वो प्रॉपर छोला वाला डाल के नहीं बनाया गया, अलग स्टाइल है, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट ये राजभोग चाट, ये कुछ अलग सा चीज़ है। ये ठीक ठाक सा लगा, लेकिन ये जो आलू टिक्की चाट है ये ज़बरदस्त। और सबसे यूनिक सा चीज़ इस शादी का ये लगा कि मतलब यहाँ हर टेबल के पास एक स्टाफ जो है, एक फ़ीमेल स्टाफ खड़ी है, जो चाहिए जब चाहिए बोलिए वो ला के दे रही हैं। ऐसा खातिरदारी किसी शादी में हम पहले नहीं देखे थे। चिकन चिली ख़त्म हुआ और वो खड़ी थी, वो हिल भी नहीं रही थी, हम बोल रहे हम कुछ नहीं चाहिए चले जाइए आप, नहीं जा रही थी वो, यही खड़ी थी।
ख़त्म किए चिकन चिली, तुरंत बोले चिकन चिली, वो चली गई चिकन चिली लाने के लिए। तो इस लेवल का जो खातिरदारी है ये किसी शादी में हम देखे नहीं थे पहले। ये जो हमारा टिक्की चाट था, आलू टिक्की चाट, ये कर चुके हैं ख़त्म, ज़बरदस्त इसका टेस्ट था, ये ठीक ठाक से लगा, तो इसे बाद में खाते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए इसे करते हैं साइड। चिकन चिली बहुत सही लग रहा है, वो जो एक पीस हम लिए थे वो हल्का हार्ड था, बाकी सारा पीस बहुत सही लग रहा, नूडल्स भी बहुत, हाँ थैंक यू। और इधर देख सकते हैं जैसा आपको बताएं, नेक्स्ट ये हमारा चिकन चिली जो है ये आ चुका है बिल्कुल गर्मा गर्म। तो इस तरह का खातिरदारी अगर आप कहीं देखें किसी शादी में तो ज़रा बताइए, मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है ऐसा जो टेबल पर खाना लगा सर्व किया जा रहा है। और बढ़िया है, पीछे खड़ी हैं वो। ये क्या है, चिकन टिक्का? यस सर। रुको रुको बेटा, दे रहे इससे खाना। चिकन टिक्का, ओके ओके, बुलाया टेस्ट बढ़िया है। अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ खाना बन रहा था वहाँ, और जैसे ही आए हैं तो भैया जिनसे हम लोग बात की वो एक ये प्रॉन पकड़ा दिए हैं, टाइगर प्रॉन, बहुत सही सा लग रहा है, ये खाते हुए अंदर चलेंगे और अंदर का आपको झलक वो दिखाएंगे। यही है किचन वाला एरिया, यहीं पर सब कुछ बनाया जा रहा है, दिखाते हैं थोड़ा आपको कि क्या कुछ बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है। तो आप ही सब कुछ यहाँ सुपरवाइज कर रहे हैं? जी जरा एक एक करके जरा बताइएगा क्या क्या बन रहा है यहाँ। ये गोल्डन प्रॉन है। अच्छा, ये हो गया गोल्डन प्रॉन, ठीक है। मटन बॉल, ये हो गया मटन बॉल, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया आपका चीज बॉल, ठीक है ठीक है, चिकन कटलेट। और इधर जो है ये बाहर वाला एरिया, यहाँ तंदूर का आइटम सब है, चिकन मलाई टिक्का बन रहा है, चिकन रेशमी कबाब बन रहा है, इस पे यहाँ पे दो आइटम अपना। इधर जो है ये कबाब वाला एरिया है, देख सकते हैं कि अलग अलग जो कबाब है वो बनाया जा रहा है, उधर मैरिनेट वेरिनेट करके रखा गया, यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब चलते हैं जो अंदर वाला चीज़ है वो आपको अच्छे से थोड़ा दिखाते हैं। ये वाला क्या हो गया? ये पनीर टिक्का है, पनीर बॉल है, पनीर बॉल है, हाँ, मटन बॉल्स वगैरह भी। हाँ मटन बॉल्स है अपना यहाँ पे, अभी वो लाइव बनेगा और ये लोग सर्व करेगा ले जाके। अच्छा अच्छा, और अंदर में क्या बन रहा है? वो कुछ अलग सा डिश लग रहा है, पातूरी है, झारखंड का कुछ स्पेशल सा डिश है, फिश पातूरी, वो आपको हम दिखाते हैं। केले के पत्ते में इसको बनाया गया है, ये इसमें फिश वेटकी फिश में, ठीक है, ये बॉइल्ड होगा, इसमें कोई फ्राई वगैरह नहीं होता है, ये बॉइल्ड होके जाता है, केले के पत्ते में रैप होगा, मतलब केले के पत्ते के बीच में आप डाल दिए फिश को, इसमें सारा इसका मटेरियल्स इसमें डाला हुआ है। अच्छा। एक एक पीस जो फिश वेट की है ना इसमें डाला हुआ है। अच्छा। ये फ्राई नहीं होता, ये बॉइल होके स्टीम होके पकता और वही सर्व, पत्ते के अंदर ही सारा प्रिपरेशन होता है। हाँ जी, बहुत यूनिक सा डिश है। नहीं अच्छा, और ये हम सुने थे कि चिकन का भी बनता है शायद? नहीं, चिकन का तो हम लोग नहीं, फिश पातूरी फिश का ही बनता है, चिकन फिश का ही बनता है सर जी। ये बन रहा है, उधर थोड़ा देख सकते हैं बनते हुए, यहाँ पर देखिए ये बनाया जा रहा है फिश पातूरी, फिश वेट की। ये कौन सा फिश हो गया? फिश वेट की। इसमें हल्का अदरक लहसुन हरा मिर्चा जाता है, ठीक है, सरसों का जो पीस का जो पाउडर है, अच्छा, वो जाता है, ठीक है ठीक है। और उसमें हल्का सा नाम का काजू, चीज बटर जाता है, नमक जाता है, सबको डाल के मैरिनेट कर लिया, मैरिनेट कर लिया। यहाँ देख सकते हैं कि केला का जो पत्ता है ये पानी में रखा गया है, अब इस केला का पत्ता को बाहर निकाला जाएगा, फिश को ऑलरेडी मैरिनेट करके रखे हुए हैं, सारा जो मसाला है वो इसमें डाल के रखे हुए हैं, अब इस फिश को डाले इस केले के पत्ते के ऊपर, अब जो है इसको कवर करके बांध के और स्टीम करना है ना। हाँ, स्टीम करना। ये झारखंड का स्पेशल सा डिश है? झारखंड का स्पेशल डिश है। अच्छा ठीक, तो यही प्रोसेस था फिश पातूरी को बनाने का, बांध देंगे और उसके बाद अब नेक्स्ट सीधे स्टीम कर देंगे, यहीं पर उसे स्टीम किया जाता है। अभी आपको उठा के दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से जैसे मोमोज बनाया जाता है, बस वही वाला कॉन्सेप्ट है, बस केले के पत्ते के अंदर बनता है और मोमोज वगैरह हम लोग देखते हैं कि बाहर बनता है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है। हम लोग जब बाहर जाएंगे काउंटर पर तब खाएंगे और खा के कैसा टेस्ट लगा है वो बताएंगे, अंदर में जो बनने वाला चीज़ आपको लगभग दिखा दिए और बहुत कुछ है जो कि पहले से ही रेडी है। ऐसा जो किचन वाला झलक था वो आपको दिखाएं, अब चलते हैं बाहर की ओर और बाहर वाला जो नज़ारा है वो दिखाते हैं। शादी में अक्सर जो मौसा फूफा लोग हैं वो लोग बदनाम होते हैं कि खाने का शिकायत करते हैं, तो यहाँ भी एक ये जिनका शादी है उन्हीं के मौसा जी हैं। और कैसा लगा खाना आपको? फूफा जी। अच्छा, आप फूफा जी हुए? हाँ। खाना भी डिसेंट है और स्टार्टर भी बहुत अच्छा है, प्रिपरेशन सब खाने योग्य है। अच्छा। और हम भी छूट के खाए हैं और अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, सभी लोग खुश हैं
सभी प्रिपरेशन इनका अच्छा है, कोई शिकायत कुछ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और जो नॉन वेज का और अच्छा प्रिपरेशन है, और उसके बाद लिट्टी का भी प्रिपरेशन इनका बहुत अच्छा है। मटन का बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ, मटन का करना है क्योंकि मटन बहुत अच्छा बना है। अच्छा है। और साथ में जो उनका कीमा है, बिरयानी है, वो भी ठीक है। हम लोग कीमा लिए, कीमा और लिट्टी लिए है। खाइए, खूब खाइए और जम के खाइए, और मटन भी लेकर खाइए। बस लेने वो मेन कोर्स में खाएंगे। ये स्टार्टर अभी चल रहा है हम लोग का। बाराती और गेस्ट खाने के लिए आता है, तो खाइए छुटके, क्या लगा है। तो इस शादी में आपको मौसा और फूफा जो है वो शिकायत करते हुए नहीं दिख रहे। और ये लिट्टी चोखा मिलता है, बट हम लोग ये ले लिया लिट्टी और मटन का कीमा। ये देखिए पूरा मटन का जो कीमा है, ये लगा के अच्छे से हम खाते हैं। तो हम लोग घूम घूम के स्टार्टर खा रहे हैं। अभी मेन कोर्स में जंप नहीं किए, अभी जो भी स्टार्टर है बस उसी को ट्राई कर रहे हैं। अभी तक जितना स्टार्टर खाए सब काउंटर वाला था, और कुछ कुछ हम लोग टेबल पर भी मंगवा के खाए, हर चीज को कवर नहीं कर रहे हैं। अब एक जो है हमारा फेवरेट, हम सभी का फेवरेट, हमारे व्यूअर्स का फेवरेट, मटन का एक स्टार्टर आया है, मटन कटलेट, जिसे कि घूम घूम के बांटा जा रहा है। तो अब थोड़ा उस पर अटैक किया जाए। पहले ये क्या भैया, मटन कटलेट नहीं, चिकन टिक्का। चिकन टिक्का है, ये बताया हमको कि मटन कटलेट मिल रहा है। कोई बात नहीं, मटन नहीं चिकन सही। मटन कटलेट भी है ना यहाँ पर? वो किधर है? वो भी है, दूसरा लड़का चला रहे। चलिए ठीक है, बस 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 चटनी। जो मेरा बारबेक्यू नेशन वाला वीडियो, उसमें हम स्ट्रैटेजी बताए हुए हैं, कम खाना है और हर कुछ को खाना है, और जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसको ज़्यादा खाना है। तो स्ट्रैटेजी पता है, बस यही स्ट्रैटेजी शादी में भी अपनाना है, मटन नहीं चिकन सही, चिकन को एंजॉय करते हैं। ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी में हम ये भी बताए थे कि बहुत ज़्यादा एक चीज़ को नहीं खाना है, और बीच बीच में कुछ पीते भी रहना, तो बस अब पीने वाला वक्त आ चुका है। एक व्यू लगा दीजिएगा। बस थोड़ा थोड़ा सिर्फ खाने के बाद बीच बीच में डाइजेस्ट होते रहे। इधर हम लोग जो मेन कोर्स है वो लेकर आ चुके हैं। मेन कोर्स में देख सकते हैं थोड़ा स्कैटर्ड है सब कुछ, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा लिए हैं, मटन भी लिए हैं, ये तवा मटन है, नेक्स्ट ये मटन कीमा है, ये हम लोग लिट्टी के साथ खाए थे, चिकन बिरयानी है, चिकन भी था इसमें, बट चिकन लिए नहीं है, बाद में लेंगे। ये हो गया चिकन टिक्का, बटर मसाला, और एक और अच्छा चीज़ लगा, तवा रोटी। ये किसी शादी में देखने को मिलता नहीं है, यहाँ देख सकते हैं कि तवा रोटी है। तो कितना भी फैंसी फैंसी आइटम हो जाए, रोटी का अपना मज़ा है, और रोटी कहीं भी मिले हम छोड़ते नहीं है, मटन के साथ और मज़ा आता है। तो करीब आइए, और ये मटन के मटन बहुत सॉफ्ट, देख सकते हैं कितना ईजिली जो ये मटन जो है ये टूट रहा है, मतलब मुलायम सा मटन है। थोड़ा सा लेते हैं मटन, थोड़ा सा लेते हैं कीमा, बन गया ये मटन राड़ा। अब इसे करते हैं ड्राई। मटन सच में बहुत बढ़िया है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इतना मुलायम सा मटन बहुत कम जगह देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया मटन, बहुत बढ़िया है, मतलब रांची में हम जहाँ जहाँ शूट किए हैं मटन का वीडियो, उन सब जगह से भी बढ़िया मटन हमको यहाँ का लगा। टिक्का बटर मसाला एज एक्सपेक्टेड, थोड़ा सा मीठा सा है, ठीक ठाक सा है, लेकिन मटन बहुत सही लगा। तो हम, जैसा कि हमारा स्ट्रैटेजी है बारबेक्यू नेशन वाले वीडियो में बताए थे,
जो अच्छा लग रहा है बस फोकस उस पर करना है, तो मटन पे ही फोकस रखेंगे, मटन को खाएंगे और बिरयानी लेंगे, चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी और मटन जो है वो खाने वाले हैं। एक आइटम मिस हो गया था जिसका हम लोग मेकिंग भी दिखाए थे और जिसे खाने का सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था, वो था ये फिश भटूरी। तो ये अभी आया है और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। थ्रेड है इसे हटा के, हाँ पहली बार ऐसा कुछ खाने वाले हैं इसलिए खाने का और ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये आ गया गर्मा गर्म। अच्छा ये टोटली ड्राई नहीं है, ये ग्रेवी जैसा है क्योंकि इसी के अंदर बनता है, पत्ते के अंदर रैप करके स्टीम किया जाता है, तो थोड़ा सा जो जूसेस है फिश का मसाले का वो इसी में इंटैक्ट होकर रह जाता है, पत्ते के अंदर ही मतलब वो होल्ड ट्रैप हुआ हुआ रहता है, वो बाहर निकलता नहीं है, जिस वजह से ये थोड़ा सा आपको जूस जो है वो दिख रहा होगा। स्टीम करके बनाया जाता है, कोई फ्राई किया हुआ नहीं, बस मसाले में लपेटे हैं और स्टीम कर दिए। एक इस तरह का हम केरला में खाए थे, वहाँ क्या था कि वो लोग तवे के ऊपर इसे हल्का सा सेकते थे, बट यहाँ कुछ अलग चीज़ें स्टीम किया गया है। अब करते हैं टेस्ट। मसाला इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगा हमको, तेल का, कच्चे तेल का स्वाद आ रहा है, हल्का सा जो कच्चा तेल होता है उसका स्वाद आया। मसाला बहुत लाइट सा लगा, बहुत बेसिक सा लगा, कुछ अलग सा डिश है, कुछ यहाँ का ट्रेडिशनल डिश है, कुछ अलग लगा, बट आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बोलेंगे, अलग लगा बस इतना बोलेंगे। वैसे भी फिश हमको बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं, अच्छी चीज़ ये है कि काटा नहीं है, काटा का टेंशन नहीं है, सीधे उठाइए तोड़िए खाइए। तो ये था इस शादी का हासिल है महफिल, सबसे अलग सा डिश, सबसे नया सा चीज़ कुछ था। बहुत ही मीठे पल है ये। पायल जी का स्वागत करते हुए अपने दोनों हाथों से एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और अपना आशीर्वाद हमारी दुल्हन और हमारे दूल्हे राजा कुणाल जी को दे। और मैं हमारे दूल्हे राजा कुणाल जी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी प्यारी दुल्हन तो जयमाल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इधर देख सकते हैं कि अभी प्रोसेस जो है चल ही रहा है, पटाखा वटाखा जो है वो छूट रहा है, तो बस अब खाना वाना भी हम लोग का हो गया, डेजर्ट भी हो गया, जो यूजुअल डेजर्ट था बस वही सब चीज़ था, मालपुआ रबड़ी ये सब। अब लास्ट में हम लोग पान खाएंगे और अब इसी के साथ इस वीडियो को करेंगे ख़त्म, क्योंकि पान जो है शादी में स्पेशली मैंडेटरी सब चीज़ है। एक पान लगाइएगा भैया, बढ़िया से सादा पान लगाइएगा, गीला सुपारी, लौंग इलायची। तो बस अब चले पान खाते हैं, कमेंट कीजिए बताइए वीडियो कैसा लगा, कुछ अलग तरह का वीडियो था, ऐसे आज से पहले ऐसा वीडियो बनाया नहीं था। कमेंट कीजिए बताइए, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में बोले थे कि बनाने इसलिए बना, और बड़ा बात होगा नहीं, खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच।